हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव हार्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रिंग में हम देखेंगे आपके जो भी क्रश है, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वक्त के आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द चैरियट क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम है यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स। तो आपके जो भी पार्टनर है स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर यहाँ पे 8734666666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस वक्त आपके जो भी क्रश है, दिल से आपके इस रिश्ते को लेके मतलब बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड सेंटर में है, जो कि ये शो करता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपना कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए। कैसे ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कैसे इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो सकता है, और जो कि ये कैसे आपको बताए कि वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना पैशनेट है और आपको लेके कितना पॉजिटिव है, ये इस वक्त यही सोच रहे हैं। इनको इस रिश्ते में बैलेंस ज़रूर लाना है, लेकिन करंट में आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कॉल मैसेज इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर, आपके जो भी क्रश है ना, किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी इनको ऐसे मिल जाए कि जिसके ज़रिए वो आप तक पहुँचे। इस वजह से अभी भी ये बहुत तड़प रहे आपके लिए, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनके साइड से है। आपके जो क्रश है शायद मैरिड हो सकते हैं, या तो इनकी कोई पहले से गर्लफ्रेंड हो सकती है, या तो इनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो आपको देखते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। लेकिन चाहे जो हो जाए, थर्ड पार्टी को तो अगर इनकी शादी हुई है तो थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर इनकी शादी अपने घर वालों की मर्जी से फिक्स हुई है तो ये वहाँ पर शादी कर लेंगे, लेकिन आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड यही शो करता है कि इन ये जो भी क्रश है ना आपके, इनका एक डिसीजन तो हो चुका है कि चाहे जो हो जाए ये आपके पास आएंगे ज़रूर। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं। अपने आप को जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि मेरे कभी भी कोई डिसीजन गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कि पास्ट में अगर आप दोनों की दोस्ती थी ना, तो इन्होंने आपको कुछ समझाने की कोशिश भी की होगी कि कैसे आप क्यों आप ये आपको छोड़ क्यों रहे हैं, और अगर ये आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहे तो कैसा रख सकते हैं, इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद आपने वो बात नहीं मानी क्योंकि आपको लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए गलत है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी साइड से आया है। आपने उनके सामने ये कंडीशन रखी थी कि तू मुझसे शादी करेगा तो ही मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगी। तू जैसे बोल रहा है, तू मुझे थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, तू मुझे बोल रहा है कि मैं किसी और से शादी करूंगा और तेरे साथ भी रिश्ता रखूंगा, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर आप लड़की हो तो आपकी तो ज़िंदगी वैसे भी ख़राब हो जाएगी, और अगर आप लड़का हो तो आप अपने ये जो भी आपके पार्टनर है उसको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो आप उनसे उनको मतलब कैसे हैंडल करोगे, उनके भी साथ आपके भी साथ, आप इस तरह से सोचते हो। तो आपकी कंडीशन है इस रिश्ते में, अगर तुम उससे शादी करेगी, अगर तुम उससे शादी करेगा तो ही मेरे पास आ, नहीं तो मैं रह लूँगी तेरे बिना। आप भी इनके बिना बहुत ज़्यादा तड़पते हो, इनके लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो, दिल से चाहते हो कि आपके पास आए। करंट में आप अपनी फीलिंग्स हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ भी उनको नहीं बताना चाहते, क्योंकि जब तक ये आपके साथ शादी के लिए रेडी नहीं होने वाले हैं आप तो इनसे बात भी नहीं करना चाहोगे। इस तरह की एनर्जी से आपको लग रहा है कि शायद इस रिश्ते से मतलब इन्होंने आपको इतना इंतज़ार कराया है ना, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से मुझे जाना ही बेटर रहेगा। आप इस रिश्ते से ना चाहते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जैसे कि अपने आप को मतलब कि शिकार समझ रहे हो धोखेबाजी का, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपको ऐसा फील होता है, और ये धोखा सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली के चलते इन्होंने आपको दिया है।
या आपकी तरफ से एनर्जीज निकल के आई है, चाहे जो हो जाए, लेकिन अगर ये आपके साथ शादी के लिए रेडी नहीं हो गए तो आप इस रिश्ते में जाना ही नहीं चाहते हो, और ये आपके क्रश को अच्छे से पता है। इसी वजह से मैंने बोला कि अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई सही टाइम देख रहे हैं, और उस सही टाइम पे ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। सही टाइम वो होगा जब इनको ये फील होगा कि हाँ वो आपके लिए कुछ तो कर सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हैं। जब इनको ये फील होगा तब जाके एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड तो डेफिनेटली है। ये आपके साथ, ये आपके पास आना भी चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ता स्टार्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो कि बैलेंस का कार्ड ही आया है, ये सब सही टाइम देख के बैलेंस करके आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स है। तो हम देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज देनर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको अपने लुक पे ध्यान देना है, आपको अपने आपके ऊपर वर्क करना, अपने आप को बहुत एक्टिव बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, अपनी ग्रोथ करो, अपने सक्सेस पे फोकस करो। जब आप ऐसे बन जाओगे ना एम्प्रेस, जब आप इस तरह से एम्प्रेस की जैसे बन जाओगे ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अपने अंदर एक ईगो एटीट्यूड, और जैसे कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, जब आप ऐसे महसूस करने लगोगे ना दिल से, तब आपके क्रश आपके पास आएंगे और आपका रियूनियन हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे फ्यूचर में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी जहाँ पे निकल के आई है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।